चेहरे पर मुस्कान लिए पक्ष विपक्ष के सांसदों के साथ एक सा व्यवहार और सदन में कामकाज का बेहतर माहौल बनाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस एक साल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 17वीं लोकसभा के लिए सर्वसम्मति से 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद सदन की कई पुरानी परंपराओं को उन्होंने बदला है। मैं माननीय सदस्यों को पुनः आग्रह करूंगा। अच्छा, आपको बैठना है। लोकसभा अध्यक्ष सांसदों को ऑनरेबल एमपी के संबोधन के बजाय माननीय सदस्यगण कहकर संबोधित करते हैं। वे एडजर्नमेंट मोशन को स्थगन प्रस्ताव और जीरो आवर को शून्यकाल कहते हैं। सदन में वोटिंग के दौरान यस नो की परंपरा को हाँ नहीं में बदलने वाले स्पीकर की विनम्रता के कायल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, तो दूसरी तरफ वो सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती में भी कमी नहीं बरतते। यही वजह है कि 17वीं लोकसभा का अब तक एक साल बार बार स्थगित नहीं होने के लिए याद रखा जाएगा। अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में ओम जी भाई साहब के नाम से पहचाने जाने वाले ओम बिरला ने उस क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय क्षेत्र में प्रसादम और परिधान नाम से कई प्रकल्प चलाते हैं, जिनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़े आदि प्रदान किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के सामाजिक सरोकारों की बात की जाए तो जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए जन सहयोग से निःशुल्क परिधान उपहार केंद्रों की स्थापना, जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन कराने हेतु प्रसादम प्रकल्प की स्थापना, जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु मेडिसिन बैंक की स्थापना, शहर की कच्ची बस्तियों में मेरी पाठशाला नामक पोर्टेबल स्कूल की स्थापना, गांव में महिलाओं की शिक्षा के लिए CSR योजना एवं मातृ ज्ञान केंद्र की स्थापना, सर्दी में सड़क पर सोने वालों की सहायतार्थ आधुनिक रैन बसेरों की स्थापना, तीमारदारों की मदद के लिए निःशुल्क कंबल निधि प्रकल्प की स्थापना। सदन की कार्यवाहियों और लोकसभा सचिवालय की व्यस्तताओं के बावजूद लोकसभा स्पीकर अपने क्षेत्र और जनमानस की समस्याओं के समाधान में स्वयं को जुटाए रखते हैं, चाहे दिल्ली हो या कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र। आम लोग बिना किसी प्रोटोकॉल के उनसे मिलकर अपनी समस्या सुना सकते हैं। लोकसभा के चैम्बर में भी चाहे वो कितने भी व्यस्त हों, लेकिन लोगों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। जब भी कोटा पर कोई आपदा आई है, एक स्थानीय सांसद के तौर पर उस आपदा की घड़ी में वो स्वयं उपस्थित रहते हैं। 2019 में जिस वक्त कोटा के कैथून में बाढ़ के बाद हाहाकार मच गया था, भारी बारिश से कैथून कस्बे में हालात भयावह हो गए थे। बाढ़ से राहत पाने के लिए सेना सहित NDRF और बचाव दल जुटे हुए थे। ऐसे हालात में लोकसभा अध्यक्ष व कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला वहां बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और विपदा की इस घड़ी में जनता के साथ खड़े रहे। शायद ही पहले कभी किसी लोकसभा अध्यक्ष का ये रूप नजर आया हो, जब व्यस्तताओं के बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के लगभग हर कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हैं, जनता के सुख दुख को साझा करते हैं और एक परिवार के मुखिया के तौर पर उनकी हर समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। सरकार के विकास की हर योजना का लाभ उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों तक पहुंचे, इसकी चिंता भी वो स्वयं करते हैं। देश की भावी पीढ़ी स्वस्थ रहे और माताएं सुरक्षित रहें, इसके लिए भी लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जन सहभागिता से कुपोषण मिटाने को लेकर सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की। कोरोना की वजह से लॉकडाउन की इस आपात घड़ी में भी लोकसभा अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम लोगों से जुड़कर उनकी समस्या का समाधान करते रहे हैं। बहरहाल, भारत का लोकतंत्र न केवल सशक्त है बल्कि अनूठा एवं प्रेरक भी है।
उसका सर्वोच्च मंच लोकसभा है और 17वीं लोकसभा के पहले बेमिसाल साल में जिस तरह से लोकसभा की कार्यवाही सुनियोजित एवं सुचारू ढंग से चली उसकी हर ओर चर्चा होने लगी और आज भी हो रही है। इसका श्रेय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ही जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता, मजबूत संकल्प शक्ति और बेहतरीन सामंजस्य से साबित किया है यदि मन में ठान लें तो एक साल में भी बड़े इतिहास गढ़े जा सकते हैं।